ज्योतिष के कुंडली पार्ट 137 पाया। बेसिकली पाए की अगर बात करूं तो पाए जो होते हैं ये जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली देखेंगे चार प्रकार के पाए होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सोने का पाया, इसके बाद आता है आपका चांदी का पाया, इसके बाद आता है तांबे का पाया, इसके बाद आता है लोहे का पाया। तो ये चार तरह के पाए होते हैं। जब भी जन्म हो सॉफ्टवेयर में इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि पाया क्या है। पाए की बात करूँ अगर सोने का पाया तो चंद्रमा 1, 6 और 11वें स्थान में होगा कुंडली लग्न में। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें कि 1, 6 और 5वें, 1, 6 और 11वें स्थान में। मतलब पहले छठे या 11वें स्थान में होगा तो सोने का पाया। इसकी अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो सोने का पाया थर्ड कैटेगरी का होता है, ठीक। अगर बात करें चंद्र चांदी का पाया तो ये 2, 7 और 10 में चंद्र होंगे, और ये जो कैटेगरी आएगी इसकी ये फर्स्ट कैटेगरी हो जाती है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो चंद्रमा 2वें में हो सकते हैं, चंद्रमा 7वें में हो सकते हैं, चंद्रमा 10वें में। तो ये चांदी का पाया। तांबे के पाए की बात करूँ तो इसकी कैटेगरी नंबर 1 है चांदी की। तांबे की बात करूँ तो 3, 7 और 10, तो चंद्रमा की स्थिति होगी 3रे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में। तो ये बेसिकली तांबे का पाया हो जाएगा, इसकी कैटेगरी होती है दूसरी। अगर लोहे की बात करूँ तो ये चंद्रमा होंगे 4, 8 और 12, ये सबसे खराब कैटेगरी होती है। चंद्रमा 4थे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में, तो ये अच्छा नहीं होता लोहे का पाया। इसमें क्या होता है अब आप देखिए, इस ये थोड़ा सा अशुभ होता है, स्वास्थ्य खराब करता है। इसके अलावा जब शनिदेव की 7.5ती आएगी तो वो भी बहुत खराब कर फल देगी। अगर बात करें इसकी तो ये नंबर 4 की कैटेगरी में सबसे खराब है। फिर अगर कैटेगरी की बात करूँ तो नंबर 3 पर फिर सोने का पाया थोड़ा सा इससे कम स्वास्थ्य खराब करेगा। इसके बाद तांबे का खाप सोने से कम खराब करेगा, और चांदी का सबसे अच्छा होता है जिसमें आदमी की स्वास्थ्यता अच्छी जानी जाती है। तो ये था पाया। पाया आप किसी भी सॉफ्टवेयर से जब देखें कुंडली विश्लेषण में तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो तक नमस्कार। पाया ज़रूर देख लेना, पाया देखना बहुत ज़रूरी है, बीमारी को ये बताता है। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।